सब दोस्तों और प्यारों को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मैं हूँ आपका शेफ सलीम और आप देख रहे हैं वन बाइट विद सलीम। और आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्थी, बहुत ही टेस्टी किडनी बीन सैलड विद पीनट बटर ड्रेसिंग के साथ। इसकी ड्रेसिंग जो है वो बड़ी कमाल बनेगी। सबसे पहले चलते हैं इसकी ड्रेसिंग की तरफ। यहाँ पे एक बाउल में ले लेंगे 1 टीस्पून के बराबर हनी यानी कि शहद, और जितनी भी चीज़ें इसमें डल रही हैं वो आपने नोट करते जाना है। पीनट बटर यहाँ पे डाल देंगे 1 टेबलस्पून और लाइट सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। बहुत ही यमी सी, बहुत ही सॉल्टी सी, बहुत ही खट्टी मीठी सी जो है ये ड्रेसिंग बनेगी। और बाल्सामिक विनीगर अगर आपके पास है तो 1 टीस्पून के बराबर वो, अगर नहीं है तो 1 टीस्पून आप वाइट विनीगर डाल दें। यहाँ पे ऑलिव ऑयल 1 टीस्पून चला गया। सॉल्ट एंड पेपर यहाँ पे डाल देंगे बस चुटकी बराबर। इसी के साथ यहाँ पे डाल देंगे हम ऑरेंज जूस। अगर ऑरेंज जूस ना हो तो आप पाइनएप्पल जूस भी डाल सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून आपने डाल देना है। और ये बहुत ही बेहतरीन सी एक ड्रेसिंग बन चुकी है। इसको आपने विक्स की मदद से बहुत अच्छा सा मिक्स करना है, क्योंकि पीनट बटर इसमें गया है तो पीनट बटर काफ़ी स्टिकी सा होता है, तो इसलिए आपने इसको अच्छे से यहाँ पे मेहनत करना है। थोड़ी सी मेहनत वाला काम है। इसके बाद जो है ये बहुत ही अच्छी सी स्मूथ सी एक ड्रेसिंग बन जाएगी और हाई प्रोटीन है, वाइटामिन से भरपूर है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा सैलड है। किसी भी वक्त आप इसको बना के खा सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी सी ड्रेसिंग यहाँ पे रेडी हो चुकी है। और इसमें सब्जियाँ जाएंगी वो नॉर्मल है। सबसे पहले कुकम्बर यहाँ पे चला जाएगा 1 कप के बराबर, और इसी के साथ यहाँ पे किडनी बीन्स वो भी 1 कप, और एक बेल पेपर ग्रीन, और इसी के साथ यहाँ पे क्यूब कटिंग में टमाटर चले गए, और यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया और स्प्रिंग अनियन डाल देंगे। परफेक्ट। और आखिर में ये डाल देंगे ड्रेसिंग जो हमने बना के रखी थी। बहुत ही उम्दा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब। और एक चम्मच की मदद से अच्छे से करेंगे इस सैलड को मिक्स। परफेक्ट। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हेल्थी है। और सबसे आखिर में यहाँ पे डाल देंगे सैलड लीफ। अगर आइसबर्ग लैटिस है तो इसमें वो भी डल सकते हैं। और इसको अच्छे से आप यहाँ पे मिक्स कर लें और आप इसको फ्रिज में रखें 3 से 4 घंटे के लिए, या 1 दिन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप इसको टाइम ना दें, बल्कि जैसे ही आप बनाएं तो आप इसको फटाफट से सर्व कर दें। ठंडा सर्व होगा और बहुत ही अच्छा ये सैलड है। और फिर से कह रहा हूँ, वेट लॉस के लिए बहुत ही बेहतरीन ये सैलड जो है वो माना जाता है। तो जनाब ये थी हमारी आज की रेसिपी, जो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दें, दोस्तों के साथ प्यारों के साथ मेरी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ो निगेबान।